सिलेक्शन की बात आई, जैसे आपने पूछा कि उसका क्राइटेरिया क्या रहता है हमारे स्टोर्स के सिलेक्शन का, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा स्टोर हम खोलने की कोशिश नहीं करते जो हमें 1 करोड़ रुपए से नीचे का रेवेन्यू, हमारी स्ट्रैटेजी हम 1 करोड़ से ऊपर का जो स्टोर होता है वही खोलते हैं। और आप लोग के मतलब सहयोग से आज की तारीख में हमारा जो वेटेड एवरेज नंबर आएगा जैसे 1000 स्टोर का, दैट वुड कमिंग अराउंड 130 प्लस, मतलब 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर ही आ जाएगा। बैलेंस शीट नंबर पे अगर नेट ऑफ टैक्सेस की बात करूँ तो 120 प्लस का मेरा नंबर है। तो सारे स्टोर आज की तारीख में कंपनी के 445 के सारे स्टोर हमारे प्रॉफिटेबल है। ब्रेक इवन की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रेक इवन अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो पहले महीने से ही कैंटाबिले वो ब्रांड बना हुआ है जो पहले महीने से ही आपको अर्निंग देता है और ब्रेक इवन से ऊपर का नंबर देता है। बट अगर ब्रेक इवन की मैं बात करता हूँ कि साल की कॉस्ट मिला लें, क्योंकि उसमें मेन कॉस्ट होती है, रेंट भी होगा, सैलरी भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो 6 महीने का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रहता है कि अगर मेरा 6 महीने को स्टोर रन कर दैट विल बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट। फिर आप तो इस तरीके से हमारा है कि हमारा एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी ये है, 6 से 7 स्टोर पर मंथ हम खोल रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, लगातार अपन आगे उनको खोलेंगे। हमारा जो एक स्टोर का ब्रेक इवन रहता है 1 करोड़ से ऊपर का हमारा टारगेट रहता है, तो हम ब्रेक इवन करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट की बात जैसे आपने पूछी कि स्टोर खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, उससे पहले मैं आपको सर बताना चाहूँगा जैसे कि कंपनी ओन्ड स्टोर में का मतलब है कि जितने भी मेरे आज की तारीख में स्टोर्स हैं इसका रेशियो हमारा 70-30 का है। 70% कंपनी ओन्ड स्टोर्स हैं और 30% फ्रेंचाइजी मॉडल है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो जो मेरे कंपनी ओन्ड स्टोर्स होते हैं उनमें आज की तारीख में जो मेरे स्टोर्स का एवरेज साइज है, एवरेज साइज अगर मैं उसको लेता हूँ वो लगभग 1050 से 1200 स्क्वायर फीट का स्टोर है। स्टोर बड़े भी खुल रहे हैं लेकिन पुराने को 700 भी थे, 800 भी थे, 1000 स्क्वायर फीट भी थे, जो कि आज एवरेज साइज हमारा 1200। तो अगर मैं आज ये करता हूँ तो मेरे एक स्टोर को खुलने में मेरा 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की लगभग केपेक्स की कॉस्ट आती है। दो तरह का इन्वेस्टमेंट है, 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की मेरी केपेक्स कॉस्ट आती है और इसमें दो चीजें हैं, एक हमारा केपेक्स लगता है, मेनली मेरा जो इन्वेंट्री रहता है वर्किंग कैपिटल साइकिल लगता है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में अगर मैं आज 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें 5 से 6 पीस पर स्क्वायर फीट रखने पड़ते हैं। यानी अगर 1200 स्क्वायर फीट है तो उसमें 6000 पीस फ्रंट एंड पे इन्वेंट्री रहेगी और बैक एंड में भी उसकी 50% इन्वेंट्री रहेगी, क्योंकि जो साइकिल है वो लगभग 6 मंथ्स का है मेरे सिलेक्शन से, सैंपल सिलेक्शन से लेके मेरे शेल्फ पे माल पहुंचने तक का 50% इन्वेस्टमेंट मेरा उधर रहता है। तो इसी बार मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आज मान के चलिए 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 20 से 22 लाख रुपये 1000 स्क्वायर फीट के स्टोर को बनाने में लग जाते हैं। 1200 का होगा तो 25 लाख रुपये लगेंगे, 25-1 लाख रुपये की इन्वेंट्री लग जाती है। 3 महीने का स्टोर में जो लैंडलॉर्ड होता है उसको हमको डिपॉजिट देना पड़ता है, तो लगभग 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पर स्टोर में जो कंपनी ओन्ड स्टोर है उसमें लगता है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जी।